सिटी ऑफिस का घेराव किया गया। भाजपा ने शहर की सुविधा और विकास को देखते हुए अपना शहर कंपनियों के सुपुर्द किया, जिससे कि अब आदत एवं सहज रूप से शहर के विकास कार्य को किया जा सके। परंतु टाटा कंपनी द्वारा कार्य सही से नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया गया है। वही भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायक द्वारा अधिकारियों को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। उज्जैन शहर को स्मार्ट बनाने के लिए कई काम केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें टाटा कंपनी सीवरेज का काम कर रही है। अंडरग्राउंड सीवरेज का कार्य कर रही टाटा कंपनी द्वारा निरंतर नियमों एवं जनता के हितों को अनदेखा कर कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा पूर्व में भी कंपनी की कार्यशैली पर आपत्ति लेते हुए प्रशासन को अवगत कराया गया था। इसी तारतम्य में बुधवार को उज्जैन दक्षिण विधायक और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं आमजन कोठी स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। शहर में विगत 2 वर्षों से टाटा कंपनी कार्य कर रही है, परंतु कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी निविदा की शर्तों का पालन कर रही है। कंपनी द्वारा लगातार नियमों एवं गुणवत्ता की अनदेखी कर कार्य किया जा रहा है। पूरे शहर में असुविधा का अंबार है। लोग घर से बाहर निकलते ही गड्ढों में गिर रहे हैं एवं जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हैं। ये स्मार्ट सिटी जो ऑफिस है और टाटा कंपनी ने पूरे उज्जैन को खोद के रख दिया है, जैसा कि हर माताएं बहनें सभी विधायक जी के पास निवेदन कर रहे थे, सभी जनप्रतिनिधि निवेदन कर रहे थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी माताएं बहनें मिलकर आज हम यहां धरना देने पधारे हैं, और अगर इस चरण में इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसको बड़ा रूप देंगे। विधायक जी का ऐसा निवेदन है, जो आज धरना दिया गया है, इस मांग को अगर पूरी नहीं होती है तो हम कमलनाथ जी को और दोषी देते हुए इसको अगला रूप भव्य रूप देंगे। अपनी केंद्र की सरकार नहीं, सरकार तो क्या है, जो ये जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, ये उसका दायित्व है। कमलनाथ जी तो केंद्र की है। वो केंद्र की है, उसको दायित्व सही तरीके से करें ना। विरोध यही हो रहा है कि जनता परेशान हो रही है, रोड खोद दिए तो खोद के ही छोड़ दिया गया। तो टाटा कंपनी क्या कर रही है, हर वार्ड हर क्षेत्र देख लें आप, पूरा खोद खोद कर रख दिया गया है। उसको वापस आपको रोड बनाना है, ये कंप्लीट होना चाहिए। हमारा जो विरोध है, काम का विरोध नहीं है, हमारा ये विरोध है कि हर जगह सड़क खोद दी गई है, उसको बनाया नहीं जा रहा है, यूं ही छोड़ दिया जा रहा है। तो सभी ने विधायक जी से निवेदन किया था, विधायक जी आज जनता के लिए आज ये जो धरना देने आए। आज आम जनता के विश्वास के लिए दिन भर लोग आते हैं कार्यालय पे कि भी आज ये पूरी सड़क वहाँ खुदी है। दिन भर लोग परेशान हो रहे हैं, और जनप्रतिनिधि आज उज्जैन शहर में भारतीय जनता पार्टी के, तो उनका कर्तव्य भी बनता है कि आम जनताओं की सुविधा करें। जब हमारे मध्य प्रदेश जो सरकार है कांग्रेस की, वो सूद नहीं ले रही है। अभी आप उज्जैन पूरे शहर में देख रहे हो, गली गली में गड्ढे हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है। गाड़ी से भी कई लोग गिर गए हैं। 2-3 दिन पहले एक विषय ये भी आया था कि भैया वो गड्ढे की वजह से बच्चा गिर पड़ा, गड्ढे के अंदर आदमी गिर पड़ा, तो उस पूरे शहर की जनता परेशान हो रही है। तो आज हमारे उज्जैन दक्षिण के जो लोकप्रिय विधायक है मोहन यादव जी ने आज ये भिड़ा उठाया कि यार अपन आज कार्यालय चल के सिटी के नाम पे आज ये पूरे शहर में गड्ढे कर रहे हैं और उनकी गड्ढों को बूंद नहीं रहे हैं, तो आज जल के अपन धरना देते हैं। तो आज हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के नगर के लोग सभी जने मिलके आज अपने उज्जैन शहर कार्यालय से निकले, पूरे शहर में होते हुए आज ये कार्यालय पे आपके सामने विधायक जी को देख ही रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं, और आज हम समस्या को हल करवाने के लिए आज धरना दिया है। वहीं निगम के अधिकारी का कहना है कि पूर्व में भी टाटा कंपनी को कार्य में लापरवाही पर करोड़ों का नोटिस निगम द्वारा दिया गया था। ये टाटा कंपनी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उस पर उनको कुछ असंतोष है कि सही ढंग से काम नहीं कर रहे, उसके बारे में बात करने आए थे। अब उसके लिए चर्चा करने के 2-3 दिन बाद उन्होंने बैठ के आपस में बैठ के चर्चा करने के लिए कहा है। जो जो काम जो कर रहे हैं टाटा कंपनी, सही ढंग से काम नहीं कर रही। खुदाई का काम एक जिस हिसाब से नॉर्म्स के हिसाब से करना है वो नहीं कर रही है। उसकी शिकायत है आम पब्लिक को, उसके समस्या को लेकर बात। नगर निगम के एक सेल बना हुआ जो इंजीनियर्स वगैरह जो देखते हैं पूरे इस काम को, उनको पिछले वर्ष भी पहले टाटा कंपनी ने काम नहीं किया था तो उसने जुर्माना किया था, तो वो कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा अगर कोई इनको डिस्कशन में कोई चर्चा करनी है तो कमिश्नर के अभी है भी नहीं, कमिश्नर चार्ज में आ जाएंगे तो उसके बाद में डिटेल उसकी चर्चा।